कमला हैरिस का कद इस वक्त अमेरिका में बहुत बढ़ चुका है। कमला हैरिस ने पिछले 7 सालों में वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद जॉर्ज बुश से लेकर बाइडेन तक को नहीं थी। कमला हैरिस का अगला कदम ट्रंप के सारे ख्वाब तोड़ सकता है। इनका नाम है कमला देवी हैरिस, जिन्हें पूरी दुनिया कमला हैरिस के नाम से जानती है। 2020 में कमला हैरिस जो बाइडेन के साये में रहते हुए आगे बढ़ी, उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंची, ये ऐतिहासिक पल थे। लेकिन 2024 में कमला हैरिस ने उस साये को हटाते हुए खुद को अमेरिका की नई बिग बॉस के रूप में कायम करने की कोशिश की है। 60 वर्षीय कमला हैरिस ने पिछले महीने ही अपना जन्मदिन मनाया है। उम्र की इस दहलीज पर कमला ने वो मुकाम हासिल किया है जो एक भारतीय और अफ्रीकी मूल की महिला के लिए कभी मुमकिन नहीं हो पाया था। कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पैदा हुई थी। उनकी माँ श्यामा गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो ग्रेजुएशन के बाद 19 वर्ष की उम्र में अमेरिका चली गई थी, जहाँ वो कैंसर पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक बनी। श्यामा गोपालन ने अफ्रीकी मूल के डोनाल्ड हैरिस से शादी की। दोनों की 2 बेटियां हुई, कमला हैरिस और माया हैरिस। इस तरह कमला भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला हुई। कमला हैरिस अमेरिका में ही पली बढ़ी, लेकिन उनकी जड़ें भारत और अफ्रीका से जुड़ी थी। निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी दोस्ती कैलिफोर्निया के स्पीकर रहे विली ब्राउन से रही। तब कमला 30 वर्ष की थी और विली ब्राउन 60 वर्ष के थे। 2013 में उनकी मुलाकात अटॉर्नी डगलस क्रेक एमॉफ से हुई, जिनसे 2014 में उन्होंने शादी की। जितना बढ़ गया। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन जब ढलान की तरफ बढ़ रहे थे, तब डेमोक्रेटिक पार्टी को कमला हैरिस से बेहतर कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया। कमला ने ये कमान संभाली और इस चुनाव में उन्होंने मिसाल कायम की है। 2020 में जब बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, तब कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई थी। राजनीति में एंट्री लेने के 7 साल के अंदर वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक देरी से उम्मीदवार बनने के बावजूद कमला ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी है। कोई शक नहीं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की टक्कर आसान नहीं रही है। ट्रंप ने उनको कभी लाफिंग कमला तो कभी क्रेजी कमला कहा। ट्रंप ने कमला को झूठा बताया, उनकी हंसी का मजाक उड़ाया। लेकिन 2024 में कमला का चैलेंज ट्रंप के लिए लोहे के चने चबाने जैसा रहा है।